हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे एंड खुद से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे। एंड यार, आज हम बात करेंगे कि 99 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है ना, किस चीज़ से आपको संभलने की ज़रूरत है, क्या होने वाला है, क्या सब होकर रहेगा, है ना, ये सब जानेंगे इस वीडियो में, इस रीडिंग में। एंड यार, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड ईयर लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए, इसलिए बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलिए देखते हैं 99 पोर्टल आपके लिए क्या ला रहा है और क्या होने वाला है आपके आने वाली लाइफ में, है ना, 99 पोर्टल के बाद या उससे पहले, है ना, क्या होगा, चलिए देखते हैं। ओके, देखिए डियर, 99 पोर्टल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा है डियर, है ना, बहुत सारी खुशियां हैं। आप अपने पार्टनर से काफ़ी टाइम से दूर हैं तो आपकी मुलाकात आपके पार्टनर से हो सकती है, या आपके पार्टनर एफर्ट डाल सकते हैं कि आप आपसे मिलें, कोई एक्शन ले सकते हैं आपके लिए, है ना, 99 के बाद। लेकिन अभी जो आपके पार्टनर की सिचुएशन चल रही है ना, वो थोड़ी अच्छी नहीं है डियर, थोड़ा हेल्थ इशू नज़र आ रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा परेशान भी लग रहे हैं। तो आने वाला समय जो है आपके लिए बहुत अच्छा है, खासकर 99 पोर्टल के बाद आपके लिए जो भी डिसीज़न आपके पार्टनर लेंगे वो आपके फेवर में होगा। मतलब ये डिसीज़न इतना आपके फेवर में होगा कि देखिए, आप जिस चीज़ की उम्मीद इतने दिनों से कर रहे हैं, जो फीलिंग्स आपके अंदर हैं और आप अपनी फीलिंग हाइड किए हुए हैं, किसी से बता नहीं पा रहे हैं, तो वो उम्मीद आपकी पूरी होगी आपके पार्टनर की तरफ से। वो आपकी इच्छा पूरी करेंगे जो आप काफ़ी टाइम से उनसे चाह रहे हैं। देखिए, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, है ना, अपने पार्टनर के को अपनी एनर्जी भेजते हैं, है ना। बहुत से ऐसे जो उनकी इच्छा है कि उनके पार्टनर खुद से आकर उन्हें कांटेक्ट करें। तो डियर, अब आपका टाइम अच्छा आ गया है डियर, है ना। काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें परेशानी आपने झेली अपने पार्टनर को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर। तो डियर, ये जो 99 पोर्टल है ना, इसके बाद आपकी सारी लव प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। एंड अगर आपके फैमिली में किसी को या फिर आपको भी कोई हेल्थ इशू काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, तो इस 99 के बाद वो है जो हेल्थ इशू है ना, वो भी ठीक होने लगेगा। और समझिए कि एक महीने के अंदर बिल्कुल प्रॉपर ठीक हो जाएंगे आप, है ना, बिल्कुल पहले जैसे। जो काफ़ी टाइम से लंबी बीमारी आपको चली आ रही है ना, उससे छुटकारा आपको मिल सकता है। एंड यार, जो लोग करियर से परेशान है, मतलब कि इतनी मेहनत कर ली है, करियर में जॉब नहीं लग पा रही है ना, और क्या नाम है, पढ़ाई भी आपकी नहीं हो पा रही डियर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी दिखाई दे रही हैं जो हैं, तो यार उसके लिए, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। समझिए, लक्की लक्की है सभी लोगों के लिए 99। एंड यार देखिए, ये जो पोर्टल है ना, इसके बाद आपकी लाइफ में खुशियाँ और ज़्यादा बढ़ेंगी, है ना। देखिए, जर्नल लोडिंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा डियर, लेकिन इस 99 के बाद ना आपकी लाइफ में खुशियाँ बढ़ेंगी। आप अपने करियर में, आपको करियर में प्रोग्रेस मिलेगी, नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी आपको अपनी लाइफ में, अपने करियर में। एंड डियर, काफ़ी टाइम से जो लोग अनमैरिड हैं और जिनके लिए कोई अच्छी सी बात नहीं बन पा रही, रिश्ता नहीं हो पा रहा उनका, तो डियर उनके लिए भी बहुत अच्छा है। आपके लिए कहीं से बहुत अच्छा रिश्ता आ सकता है, आपकी शादी फिक्स हो सकती है इस 99 के बाद। बहुत अच्छा समय आपका है। एंड डियर, बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्टडी कर रहे हैं लेकिन वो फोकस नहीं कर पाते स्टडी में, है ना, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। समझिए कि ये 99 आपके लिए बहुत लकी रहने वाला है। लेकिन डियर, इसमें ना आपको एक दिक्कत है, आपको संभलने की भी ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि संभलना पड़ेगा आपको, तो इसमें आपको संभलने की क्या ज़रूरत है, देखिएगा। देखिए, आप जो लोग लव पार्टनर हैं या फिर हस्बैंड वाइफ हैं और अलग रह रहे हैं एक दूसरे से, आप लोगों के बीच जो थर्ड पार्टी है जिसने इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया कि आप दोनों अलग हो गए हैं, है ना, तो वो थर्ड पार्टी आपको फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, तो इससे आपको थोड़ा सावधान रहना है। एंड यार, जो लोग स्टडी कर रहे हैं, जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं, है ना, उनको फोकस स्टडी से हट सकता है। और जो लोग जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि 99 के बाद आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही थी जॉब से रिलेटेड, वो सोल्व तो हो जाएंगे, लेकिन आपको ना थोड़ा संभलने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ें, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है ना। किसी भी ऐसे इंसान की बातों पर भरोसा नहीं करना है जिसे आप नहीं जानते हैं, है ना, जॉब के लिए कैसा था, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मतलब यू नो
जो पाने के लिए ना जाने कितने पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं कहीं भी, तो वो संभल कर आपको, आपको कोई ऐसा पर्सन धोखा दे सकता है, तो संभल कर काम करना है डियर। और जो लोग शादी के लिए तैयारी कर रहे हैं कि शादी नहीं हो पा रही, रिश्ता नहीं मिल पा रहा, तो उनके लिए डियर मैं यही कहना चाहूँगी कि आपका रिश्ता तो आएगा, लेकिन उसमें भी आपको थोड़ा सा संभल कर, यानी कि अच्छी तरह से उन लोगों के बारे में जानकर, जांच पड़ताल करने के बाद ही आप इस रिश्ते के लिए हाँ कहें, क्योंकि हो सकता है आपको धोखा मिले। तो धोखा भी दिखाई दे रहा है, जितनी खुशियाँ हैं उतना ही धोखा भी नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में। तो आपको इन चीज़ों से अगर आप संभल गए और आपने समझ लिया ये सब, तो यकीन मानिए इस बार गॉड आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आप सब पर बना हुआ है डियर, और आने वाला समय आपके लिए बहुत ब्राइट है। 9-9 के बाद आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी डियर, करियर से, जॉब से, एंड लव मैरिज, लव बर्ड्स, मतलब आप लोग जो भी हैं, जितने भी पर्सन मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, रीडिंग सुन रहे हैं, उन सब की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स बिल्कुल है डियर, डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। एंड डियर ये जो 9-9 है ना, इसके बाद की जो समय होगा वो समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बस थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। बहुत से लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो आपको खुश नहीं देखना चाहते, तो बस उनसे संभलने की ज़रूरत है, बाकी आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है, 9-9 के बाद आपकी लाइफ एकदम से न्यू बिगनिंग होगी, न्यू स्टार्ट होगी। जो लोग अपने पार्टनर से दूर हैं उनकी फिर से रियूनियन होगा, एंड जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। एंड अगर अभी हाल फिलहाल में आपने कोई एग्ज़ाम दिया है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, तो वो आपका क्लियर हो सकता है 9-9 के बाद, अगर उसका रिजल्ट है तो, है ना, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस बात के कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो डियर अगर रीडिंग आपसे कनेक्ट हो रही हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड डियर अपना ख्याल जरूर रखिएगा, आप लोग क्या करते हैं ना, अपना ख्याल नहीं रखते हैं, तो वो गलत बात है यार। यूनिवर्स को आप इस तरह से नाराज़ मत कीजिए, आप उनके बनाए हुए हैं यार, इस संसार में आप आए हैं तो उन्होंने ही आपको भेजा है। आपका इस दुनिया में आने का कोई ख़ास मकसद है, जिस मकसद से आपको यूनिवर्स ने यहाँ पर भेजा है, तो उस पर ध्यान दीजिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपनों पर भी ध्यान दीजिए, बट पहले डियर अपने बारे में ज़रूर सोचिए। एंड डियर देखिए, मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जो आप दोनों को अलग करने के लिए थर्ड पार्टी बीच में है ना, ये फीमेल की तरफ से ज़्यादा चांस आ रहे हैं, मेल की तरफ से बहुत कम है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है डियर। अपना आने वाला समय आपको इस बात का ध्यान रखना कि आपका जो आने वाला समय है ना वो बहुत ब्राइट है, तो उसके बारे में ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो आपका आने वाला समय है ना, ये आपको एक नई मंजिल पर लेकर जाएगा, आपकी जो मंजिल है ना उस तक पहुँचाएगा, आपको एक नया रास्ता दिखाएगा। बहुत अच्छा समय है, बस संभलने की ज़रूरत है तो धोखेबाजों से, है ना, धोखेबाज बहुत हैं आपकी लाइफ में जो आपको नीचे गिराने पर लगे हुए रहते हैं, तो उनसे बचने की ज़रूरत है। बाकी आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, कुछ भी नहीं करना है, हेल्थ का अपने का ध्यान रखना है। जो लोग जिनको हेल्थ इशू हो रहा है ना काफ़ी टाइम से, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उन्हें थोड़ा सा ना भगवान की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, मतलब कि जैसे कि गॉड यूनिवर्स होते हैं ना, जो भगवान आप जिसको सबसे ज़्यादा मानते हो, उनकी पूजा पाठ भी कीजिए, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा है ना, आपको ऐसा लगने लगा कि अब मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा या फिर नहीं होंगी, तो वो ख़त्म कीजिए और भगवान का ध्यान कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा शक्ति मिलेगी अंदर से। एंड ईयर मेडिटेशन कर सकते हैं, जो लोगों को सबसे ज़्यादा सर की दिक्कत है ना, हेडिक होता है, तो रीडिंग कनेक्ट हो रही है तो कमेंट कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू डियर।